एयर इंडिया अगले महीने दिसंबर में अपने पहले एयरबस A350 का स्वागत करने के लिए तैयार। एयर इंडिया अगले महीने अपने बेड़े में अपना पहला एयरबस A350 विमान शामिल करने के लिए तैयार हो रही है। यह किसी भारतीय एयरलाइंस के लिए पहला विमान है और यह इसे 3 बड़े खाड़ी वाहकों को टक्कर देने और अधिक भारतीय यात्रियों को लंबी दूरी पर बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा। एयर इंडिया को मार्च 2024 तक 4 एयरबस A350 मिलेंगे, जो इस साल फरवरी में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस और बोइंग के साथ एयर इंडिया द्वारा दिए गए 470 विमान ऑर्डर का एक हिस्सा है और इसमें 70 वाइड बॉडी शामिल हैं। एयरलाइन ने पहले ही ऑर्डर से कुछ A320, A321 नियोज और बोइंग 737 मैक्स 8 की डिलीवरी ले ली है। एयरलाइन अपने पहले एयरबस A350-900 का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में अपने पायलटों, केबिन क्रू और इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दे रही है। एयर इंडिया की नई पोशाक में यह पहला विमान होगा। हालांकि यह विमान रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण प्रतिबंध लगने से पहले शुरू में एरोफ्लोट के लिए नियत थे, इसलिए इसमें अभी तक एयर इंडिया के नए इंटीरियर शामिल नहीं होंगे, जो केवल अगस्त 2024 से देखने की उम्मीद है। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पायलटों के 6 सेट यानी 6 को-पायलट और 6 कमांडर पहले ही सिंगापुर में अपना सिमुलेटर प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी एयर इंडिया को इन हाउस प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षक हैं। एयरबस सिंगापुर, टुलूज और मियामी में एयरलाइन सिमुलेटर प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान कर रहा है। एयर इंडिया को A350 के लिए अपना स्वयं का सिमुलेटर भी मिलेगा, जिसे जल्द ही लॉन्च होने वाली प्रशिक्षण अकादमी में स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी सिमुलेटर प्रशिक्षण घर में ही हो सके। हर महीने पायलटों के 2 सेट सिमुलेटर प्रशिक्षण से गुजरेंगे, क्योंकि प्रत्येक A350 को अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों के लिए पायलटों के कुल 13 सेट की आवश्यकता होगी। A350 में स्थानांतरित किए जा रहे एयरबस A320 पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 13 दिनों की क्रॉस क्रू योग्यता शामिल है, जिसमें 2 ग्राउंड सत्र और प्रशिक्षण, 6 सिमुलेटर सत्र और लो विजिबिलिटी जैसे पहलुओं पर 4 अतिरिक्त ग्राउंड प्रशिक्षण शामिल हैं। एयरलाइन के बोइंग बेड़े से पायलटों को भी A350 में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लगभग 45 दिनों के कंप्लीट ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। आने वाले इस नए A350 विमान को तुरंत अमेरिका जैसे अत्यधिक लंबी दूरी के मार्गों पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसे पहले 20 दिनों तक DGCA मूल्यांकन से गुजरना होगा, जिसके बाद यह चालक दल के परिचित उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए घरेलू स्तर पर उड़ान भरेगा। एयर इंडिया समूह की 3 एयरलाइनों एयर इंडिया, विस्तारा और AIF कनेक्ट प्रत्येक से इंजीनियरों के 3 बैच ने टुलूस में एयरबस सुविधा में प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एयर इंडिया के एक अन्य अधिकारी के अनुसार स्ट्रक्चर वैल्यूएशन और इंजन रनअप पर विशेष पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। विमान के बारे में व्यापक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए एयरबस A350 सामान्य परिचय पाठ्यक्रम लिया है। एयर इंडिया ने सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस की रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल शाखा SIA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भी साझेदारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके इंजीनियरों को एयरबस A350 के दिन प्रतिदिन के रखरखाव, विमान टर्न अराउंड निरीक्षण का व्यवहारिक अनुभव मिले। तो ये एयर इंडिया में आने वाले नए विमान एयरबस A350 के बारे में छोटा सा अपडेट था। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एविएशन से जुड़े हुए इस तरह के और वीडियो के लिए स्टे अपडेटेड एंड कीप वॉचिंग एविएशन टुडे।